हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए राकेश सिंघल, रिसर्च एनालिस्ट, और आपका स्वागत है हमारी डेली सीरीज कल के बाजार में क्या करें। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के बाजारों की। आज के बाजार की अगर हम बात करें तो निफ्टी आज ओपन हुआ 8529 पर और निफ्टी ने इमीडिएटली एक लो लगाया 8358 का, लेकिन उसके बाद एक निफ्टी ने एक अच्छी रिकवरी आई और निफ्टी ने 8678 का हाई लगाया और उसके बाद फाइनली निफ्टी ने 8598 की क्लोजिंग दी 8600 से थोड़ा नीचे। निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। अगर हम बात करें कल की, कल यानी 1 अप्रैल के लिए हम निफ्टी एक रेंज में रह सकता है, जो रेंज आपको 8700 से 8800 तक की एक रेंज रह सकती है। जिस अगर 8700 के आसपास आए तो आपको निफ्टी को सेल करना है, 8800 के आसपास आए तो आपको बाय करना है, ये एक रेंज रह सकती है। अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 19308 पर बैंक निफ्टी ने ओपन किया और उसके बाद इमीडिएटली एक लो लगाया 18792 का, बट उसके बाद बैंक निफ्टी में भी रिकवरी आई बहुत अच्छी और बैंक निफ्टी ने 19466 का लेवल टच किया और फाइनली बैंक निफ्टी ने 19144 की क्लोजिंग दी। हमने आपको निफ्टी में कल टारगेट अपने लेवल बताए थे, रेंज बताई थी 8600 से 8100 की रेंज, तो लगभग निफ्टी उसी रेंज में रहा और बैंक निफ्टी की रेंज हमने बताई थी 19500 से 18500, तो बैंक निफ्टी भी लगभग उसी रेंज में मूव किया। बैंक निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। अगर हम बैंक निफ्टी की कल की बात करें तो कल के लिए रेंज वही 19500 से 18500 की रेंज में भी कल भी बैंक निफ्टी मूव कर सकता है, तो आपको जब भी 19500 के आसपास आए बैंक निफ्टी आपको सेल करना है, 18500 आपको बाय करना है। अब बात करते हैं, हमने जैसे आपको कल बताया था कि कुछ अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हैं अपने किसी स्टॉक को लेके तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं। तो हमारे कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों ने, हमारे दर्शकों ने, जो हमारे बहुत अच्छे दर्शक हैं, उन्होंने हमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, तो हम सारे क्वेश्चन तो नहीं ले सकते लेकिन कुछ दो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। सबसे पहले एक शुभम अग्रवाल जी ने, उन्होंने SBI पे अपना क्वेश्चन पूछा, उन्होंने 80 शेयर बाय किए हुए हैं 260 रुपए के रेट पर, तो वो पूछते हैं कि आगे क्या करें। तो अगर SBI की बात करें, अगर SBI का मेजर सपोर्ट 230 रुपए पे था, जो कि SBI ने 12 मार्च को तोड़ दिया था और उसके बाद स्टॉक पूरे नीचे की तरफ जा रहा है और अभी स्टॉक ने करीब 170 के आसपास तक गया, 172 के आसपास, और वहां से अब थोड़ी सी रिकवरी आई, आज 196 के आसपास आज क्लोजिंग दिया स्टॉक ने। तो मेरा सजेशन स्टॉक पर यह है कि आप अगर 2 या 3 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं तो इसे होल्ड करें, और बाई भी अगर थोड़ा सा अगर एवरेज करना चाहते हैं तो 170 से 180 की रेंज में आप इसको थोड़ा सा बाई कर सकते हैं और 2-3 साल के लिए होल्ड करें। अच्छा स्टॉक है, अच्छी एक इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स, इन टर्म्स ऑफ कस्टमर बेस, तो बहुत अच्छी ग्रोथ आने की संभावना आने वाले टाइम में। दूसरा क्वेश्चन हमें भेजा है हेमंत कपाड़िया जी ने, इनका क्वेश्चन है रेल विकास निगम लिमिटेड पर, इनके पास 1000 शेयर हैं 18 रुपए के रेट से, तो ये पूछ रहे हैं कि होल्ड करें या सेल करें या बाई कर दें। हेमंत जी, ये कंपनी लिस्टेड हुई थी, ये गवर्नमेंट कंपनी है, लिस्टेड हुई थी अप्रैल 2019 में और उसके बाद इसने 30 रुपए का हाई लगाया था और अभी रिसेंटली इन्होंने 24 मार्च में इस कंपनी ने 10 रुपए का लो लगाया और अभी लगभग 12.80 रुपए के आसपास कामकाज कर रही है कंपनी। बहुत ही उम्दा कंपनी है अगर वैसे देखें, फंडामेंटली कैश जनरेटिंग कंपनी है, FII वगैरह सब इसमें होल्डिंग अपनी इंक्रीज कर रहे हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इम्प्रूव हो रहा है कंपनी में, साथ साथ ऑर्डर बुक भी बहुत अच्छी है और कंपनी का कोई प्लेज नहीं किया हुआ शेयर, गवर्नमेंट कंपनी है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसको 2 या 3 साल के लिए होल्ड करते हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं, साथ में आप इसको एवरेज भी कर सकते हैं 11 रुपये या 11.5 रुपये के आसपास, यहाँ से अगर ये जो करंट भाव है यहाँ से अगर 10-15% का डाउन भी आपको मिलता है तो आप बाय भी कर सकते हैं और एवरेज कर सकते हैं। तो अगर आपके भी कोई सवाल हैं आगे किसी को किसी स्टॉक पर तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और अपनी कितना क्वांटिटी आपके पास, क्या परचेज प्राइस है, क्या होल्डिंग है, सब हमें लिखें तो हम उनको जवाब देने की अपने शो में कोशिश करेंगे। हमारे वीडियोस को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।